everyone, this is Pooja Das here. Welcome back to my channel. And in today's episode, I'm going to show you the second part of Mechuka vlog. तो हम लोगों ने अपना journey start किया था on 23rd of November with my mom and my chauffeur Apurva. Without him, this journey would have not been possible. तो हम लोगों ने गुवाहाटी से start किया and by 25th of November 2020 8 बजे तक हम लोग मेचुका पहुंच गए. So almost 1000 kilometers का journey खत्म करने के बाद हम लोग मेचुका पहुंचे and आज की कहानी हम लोग start करेंगे मेचुका से. So without any delay, let's just start today's vlog and stay with me till the end of this video. तीनसुकिया से मेचुका तक का सफ़र हम लोगों ने दो दिन में ख़त्म किया. अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल के रखूँगी. डू चेक इट आउट बिकॉज द रोड ट्रिप वॉज रियली अमेजिंग एंड वॉज फिल्ड विद फुल ऑफ सरप्राइज एलिमेंट्स. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो टुडे इज़ द डे व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर मेचुका एंड अभी मम्मी के साथ मैं ब्रेकफास्ट करूँगी. सो द ब्रेकफास्ट इज़ रेडी. Now we are going to meet the host of this place. वैसे गेबूसोना जी और नाना जी जो यहाँ के ओनर हैं उनसे तो कल रात को ही हम मिले थे आफ्टर वी अराइव GTL. बट आई डिडन्ट वॉन्ट टू कंटिन्यू दी व्लॉग yesterday night itself because it was too late. Anyway, don't worry, we'll just introduce you to them in a while. आपका नाम आपने क्या बताया? मेरा नाना. नाना NANA नाना. तो ये है इस होमस्टे का ओनर. And that's our first meal in Mechuka, जहाँ पे नाना जी ने हमें सर्व किया है मिलेट पाउडर से बना पैनकेक एंड उसके साथ बटर टी. आउटसाइड GTL होमस्टे यहाँ पे पूरा एडवेंचर एक्टिविटीज़ और टूरिस्ट स्पॉट्स वगैरह लिस्ट आउट करके रखा है इन्होंने फॉर आवर कन्वीनियंस. अब देखते हैं कि हम इसमें से कितना कवर कर पाएंगे. तो ये है होमस्टे का ओनर. सो सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. नमस्ते. टशी दिले. ताशी गले. ताशी दिले. उसका उनका उसका मतलब क्या होता है? गुड मॉर्निंग. हाय. हेलो. अच्छा. हाँ सर, तो हम कहाँ पे जा रहे हैं? हम लोग ये न्यू मोनेस्ट्री जा रहे हैं. अच्छा, ठीक है. आपका नाम क्या बताया था? मेरा नाम संगे. संगे. संगे सोना. तो संगे साहब हम लोगों को अभी मोनेस्ट्री लेके जा रहे हैं. चलिए. तो हम लोग आ गए हैं न्यू मोनेस्ट्री और न्यू मोनेस्ट्री के साइड में ही मेचुका का व्यू पॉइंट भी मिलेगा. मम्मी बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही है बिकॉज मोनेस्ट्री या टेम्पल ले जाओ उनको, शी विल बी ऑलवेज हैप्पी. अब ये है व्यू पॉइंट जो न्यू मोनेस्ट्री के साइड में ही है. फ्रॉम हियर यू कैन सी द होल ऑफ मेचुका. और अब हम लोग जा रहे हैं हैंगिंग ब्रिज जो कि आज का सेकेंड डेस्टिनेशन है. कुछ 8 साल 9 साल इतना कुछ जा रहा है. अच्छा. जब पहले पहले ये पूरा ये लकड़ी का था ब्रिज. अच्छा, लकड़ी का. यहाँ पे गाड़ी भी नहीं जाता था. हाँ. अभी और उसके बाद यहाँ का लोकल MLA ने परमिशन पास करके तब ये बने लंदन ब्रिज. ये टूरिस्ट लोग ही नाम दिया लंदन ब्रिज बोल के इसको. एक्चुअली हम लोग तो यूजली इसको पहले हैंगिंग ब्रिज था ना, अभी हम लोग तो हैंगिंग ब्रिज नाम से ही बुलाते हैं इसको. क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है तो अब हम आगे जा रहे हैं अपने थर्ड डेस्टिनेशन में जिसके बारे में बताएंगे हमें सांगे जी. बट एक चीज़ बता दो कि ये एरिया बहुत ही रिसेंटली डेवलप्ड एरिया है. तो आपने इस जगह का क्या नाम बताया था? और ये जगह का नाम दार्जिलिंग. दार्जिलिंग विलेज. अच्छा. और दार्जिलिंग यहाँ पे सलमान खान आया हुआ. अच्छा, यहाँ पे सलमान खान आया था. हाँ, पहले आया था. मम्मी पूरा फोटो सेशन में बिजी है. Don't you think you should also come to this place? You should definitely visit this place at least once. Because इतना अच्छा, इतना magnificent view आपको आपको मिलेगा. I mean every place is beautiful, but this is something different. You should really plan a trip to Mechuka. To 22 November को सलमान खान यहाँ पे आया और उसके लंच यहाँ पे हुआ था. उसका पूरा लोकल खाना टेस्ट करवाया था ना यहाँ पे सलमान खान. जब से सलमान खान यहाँ पे आया और ये पूरा बहुत ही डेवलप होने लग गया और यहाँ पे पीछे पे स्विमिंग पूल बना रहे, बहुत कुछ बना रहे ना, कंस्ट्रक्शन चल रहा है. तो नेक्स्ट अब कहाँ पे जाएंगे हम? अब नेक्स्ट हम लोग छुपाला. छुपाला. हाँ, छुपाला मीन्स आइलैंड. अच्छा. एक आइलैंड है, वहाँ पे भी GTL होम स्टे है. वहाँ पे भी जाएंगे हम लोग. अच्छा, ठीक है. अभी वहाँ पे ले जाएंगे. ठीक है, चलिए. हम लोग अभी छुपाला में जाएंगे और वहाँ पे भी एक होम स्टे है इन लोगों का GTL का, तो वहीं पे लेके जा रहे हैं.
अभी हम लोग रुके हैं मार्केट प्लेस में एंड विल जस्ट पैक आवर फूड आवर लंच. तो लंच पैक करने के बाद हम लोग फिर से चौपाला जाएंगे एंड अभी वी नीड टू बाई सोवीनियर्स फॉर आवर रिलेटिव्स. उसके बाद ये सब खरीदने के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे जर्नी. आई विल शो यू द मार्केट प्लेस अराउंड. Hello. So that's where my mom is buying something for, I mean souvenirs for everyone. Anyway, अब बस चाय पी के निकलते हैं क्योंकि आगे और बहुत कुछ देखना है. अभी हम लोग चौपाला पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट. बस देखते हैं आगे और कितना जाना है. चौपाला उनका एक और होम स्टे एंड इसके पास इसके साइड में ये व्यू है. और अभी हम आ गए हैं चौपाला के अंदर. ये आगे जाके एक कॉमन किचन मिलेगा. जो भी गेस्ट यहाँ पे आएंगे दे कैन यूज़ दिस कॉमन किचन एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दिस इज वन ऑफ द बेडरूम एंड वहाँ पे एक अटैच बाथरूम भी है. फाइनली लंच टाइम हो गया है और अब इस व्यू के साथ मैं अपना लंच एंजॉय करूँगी. एंड नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस सिंथलेटिंग व्यू. बट आगे मैं और भी बहुत सारे खूबसूरत लोकेशंस दिखाऊंगी आप लोगों को. बट उसके लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर मैरिक जिन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स.